बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने बेटा जो आपकी क्लास हुई थी, इस क्लास में हमने हाइड्रोजन का चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू कर दिया था और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे और वो टॉपिक था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। ये टॉपिक हमने कम्प्लीट कर लिया था, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल। अब इस हाइड्रोजन के चैप्टर में जो मेजर टॉपिक्स आपको बताए थे मैंने, एक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन था, इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है, इसके साथ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, और उसके बाद जो है अब वो हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स, और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से एक पार्ट लाजमी तौर पर एग्जाम में आता है। हर चैप्टर में से एक एक पार्ट करके पूछने, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्ट ज्यादा आते हैं पेपर में, और बाकी मैंने आपसे कहा था कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जब आप चैप्टर 5 पढ़ लेंगे तो फिर आपको 5 ईयर की जो टेक्निक्स है वो समझ में आएगी। और ऑल्दो मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि आपने जो चैप्टर 1 पढ़ लिया है इसको 5 ईयर से कंसल्ट करें और उसमें जो प्रॉब्लम है वो आप शेयर करें, लेकिन आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है कि ना तो आप वीडियोज बाद में देखते हैं, अब यूट्यूब पे तो हमें व्यूज नजर आ रहे होते हैं, तो जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं वो भी वीडियो नहीं देख रहे। तो अगर आपने क्लास ले ली है, जब भी आप कम से कम एक दफा या दो दफा लाजमी लेक्चर देखा करें ताकि वो चीजें आपके जहन में आए, रिव्यू हो जाए और आप उसको प्रॉपर याद कर सकें। इतनी आसानी के बाद भी आप लोगों की जो पढ़ाई जिस तरह होनी चाहिए आई थिंक सो वो वैसे नहीं हो पा रही। लेकिन फिजिकल क्लासेस का के इसमें आप वेट ना करें, मुझे नहीं लग रहा कि अगर 15 सितंबर से ये फिजिकल क्लासेस शुरू भी कर रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं स्कूल कॉलेजेस की, तो आप सेंटर और स्कूल खुलने तक जो है वो अक्टूबर शुरू हो जाएगा, और केसेस जो है कोरोना के वो पूरी दुनिया में इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैं आपको बताने का मकसद ये है, मैं इस वक्त कोरोना डिस्कस नहीं कर रहा, बताने का मकसद ये है बेटा कि केसेस पूरी दुनिया में इंक्रीज हो रहे हैं, और मे बी के 1 सितंबर के बाद पाकिस्तान के, क्योंकि मुहर्रम होगा उसमें जुलूस होते हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में केसेस बढ़ जाए। और जो सबसे सॉफ्ट हमारे पास पोर्शन है, सबसे सॉफ्ट पोर्शन स्कूल और कॉलेजेस का है, लिहाजा वो बंद कर दिया जाएगा। तो आप ये वेट ना करें, फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी, दैट्स गुड, आप अपनी पढ़ाई वहां शुरू कर दें, लेकिन जो क्लासेस हैं इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें। हम प्रॉपर आपको पढ़ा रहे हैं, चीजें आपकी सही चल रही हैं, लेकिन जो मैं व्यूज देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर तो मुझे वो प्रॉपर नजर नहीं आते। इसके मतलब कि आप लोग सीरियस नहीं हो रहे हो, आप शायद वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे भी वेट कर रहे हैं, कुछ ने पढ़ना शुरू नहीं किया, कुछ तो ऑनलाइन आ गए, कुछ अभी तक शुरू नहीं की पढ़ाई, तो ये आप वेट कर रहे हैं, ये आपका आगे नुकसान होगा, पेपर जो आपके टाइम पर हो जाएंगे। तो इसको देखें, मैं बार बार कहता हूँ जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं वो सेंटर आके डिस्कस करें, सेंटर शायद एक या दो बच्चे अब तक इस पूरे 2 महीनों में एक या दो बच्चा जो सेंटर आके उसने चीजें डिस्कस की हैं। तो बेटा जब तक आप सीरियस नहीं होंगे आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स जो है आगे बहुत ज्यादा होंगी, वेट ना करें, माइंड मेकअप ना करें, आप समझ लें कि आपने ऑनलाइन ही पढ़ना है। शुरू हो गई तो बहुत अच्छी बात है, हमें ही बहुत आसानी हो जाएगी, बिकॉज हम भी यहाँ देखें ना 11:15 से लेकर हम शाम तक क्लासेस ले रहे होते हैं, फिर हम सेंटर बैठते हैं, उससे पहले स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत बड़ा काम हो गया है। लेकिन इसलिए हमें पता है कि आगे प्रॉब्लम ज्यादा आनी है, तो थोड़ा सा आप ख्याल करें और अपनी स्टडीज को आप प्रॉपर शुरू करें। और जो बच्चे अभी तक नहीं आए उनको भी इन्फॉर्म कर दें कि वेट ना करें। बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स का ख्याल है कि अभी क्लासेस शुरू होंगी फिर हम चले जाएंगे, तो जब तक बहुत कुछ जो है ना वो चेंज हो चुका होगा। बहरहाल तो चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू कर दिया था बेटा, आज हमें पढ़नी है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन अब शुरू हो जाएंगी आपके पास। अब देखिए हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन, सबसे पहले बात है कि इसकी जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है ये आपके कोर्स में नहीं है, मैंने एडिशनल आपको करवा रहा हूँ, ये आपके कोर्स में नहीं है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन के हम लेबोरेटरी के अंदर स्कूल लैब्स में कॉलेज लैब्स में हम हाइड्रोजन गैस को प्रीपेयर कर सकते हैं फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। HCl या H2SO4 को इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड कहा जाता है जब हम इसको किसी एक्टिव मेटल के साथ, जिंक जो है सॉरी लेस एक्टिव मेटल के साथ, जैसे जिंक है
हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हम ओब्टेन कर लेंगे हाइड्रोजन गैस। जैसे आप देखिएगा कि Zn plus HCl, ZnCl2 plus H2, तो Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus H2। यहाँ एक और बात मैं आपको वाजे करूँ कि इक्वेशंस के लिए कि यहाँ पर 2 कैसे आ गया, यहाँ पर 1 कैसे है, ये मैं किसी और एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये वैलेंसी के जरिए आता है बेटा, फॉर्मूले कैसे बनते हैं सब आता है वैलेंसी के जरिए। लेकिन इस वक्त आप सेकंड ईयर के टॉपिक में क्योंकि इक्वेशन ज्यादा है तो आप कोशिश करें कि इक्वेशन आप याद कर लें, आप खुद से बनाने की कोशिश में अपना टाइम जो है वो ज्यादा आप जाया कर देंगे। मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, वो एक्स्ट्रा क्लास में आपको मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं ताकि आपके जहन में रहे। वो मैंने चीजें बनाई आपको मैं वो स्लाइड से शो कर दूंगा। इस वक्त हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को याद करें और याद करके उसको लिखें, प्रैक्टिस करें कि इसके बाद जो चैप्टर 3 और 4 आएगा उसमें आपको इक्वेशंस के हवाले से काफी प्रॉब्लम होगी। इसके बाद जनाब ये देखिएगा, ये इसकी प्रिपरेशन का जो मेथड है बेटा, आप देख सकते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर जो है वो जिंक के जो है वो चंक फॉर्म में जिंक के पार्टिकल्स मौजूद हैं और इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम पहले इसमें जिंक के पार्टिकल्स रखते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ग्रैंड करके जिंक के पार्टिकल्स हैं, उसके बाद ये सेटअप लगा दिया जाता है, ये थिस्टल फनल से हम एंटर करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस जो है क्योंकि इनसॉल्युबल होती है वाटर में, लिहाजा वो गैसेस जो वाटर में इनसॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल होती हैं उन गैसेस को हम ओवर वाटर कलेक्ट करते हैं। अगर आपको याद हो हमने डेल्टनस लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था जिसमें डेल्टनस लॉ की एप्लीकेशन थी कि जब हम किसी गैस को ओवर वाटर कलेक्ट करेंगे तो ये वाटर में से पास होकर आएगी तो ये मॉइस्ट गैस कहलाती है और इस मॉइस्ट गैस में वाटर का प्रेशर होगा और इस गैस का अपना प्रेशर होगा। लिहाजा इस गैस के प्रेशर को अगर हमें ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो ड्राई गैस के प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे कि डेल्टा स्टॉक के जरिए हम ड्राई गैस का प्रेशर निकालेंगे। लिहाजा हाइड्रोजन गैस को याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में शायद पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस को जो हम कलेक्ट करते हैं तो इसको कलेक्ट किया जाता है, अगर लेबोरेटरी प्रिपरेशन है तो हाइड्रोजन गैस को ओवर वाटर कलेक्ट करते हैं, इसे हम कलेक्ट करते हैं ओवर वाटर। ये बबल्स हैं, जैसे जैसे गैस ऊपर जाती जाएगी ये गैस जार एक्चुअली पूरा फिल्ड होता है वाटर से, जब गैस के बबल्स ऊपर जाएंगे तो पानी नीचे आता जाएगा और जब गैस जार एम्प्टी हो जाएगा जिसे पानी का कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होगा तो उसके माने ये होंगे कि इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन गैस मौजूद है। इसके बाद एक और मेथड है फ्रॉम एल्कली, कि जब हम एल्कली हम कहते हैं, ये आपको बताई थी बात मैंने कि ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं। जब हम एल्कलीज को लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट बेस एल्कली, इसको हम जब एल्यूमिनियम और जिंक से रिएक्ट करवाएंगे हम ऑब्टेन करेंगे हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, इसे आपने याद नहीं करना। सिर्फ ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस को हम लेबोरेटरी में जब प्रिपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है ओवर वाटर। हाइड्रोजन गैस की लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हाइड्रोजन गैस ओवर वाटर कलेक्ट होती है, ओके। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज आगे इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। हाँ राफिया कहिए बेटा, सर मुझे ये पूछना था कि जिस तरह HCl और H2SO4 मिनरल, सर मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह HCl और H2SO4 मिनरल एसिड है, मैं इसको जवाब देता हूँ। कमर्शियली हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग कंपाउंड्स, तीन कंपाउंड से हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करते हैं। नंबर वन फ्रॉम, नंबर टू फ्रॉम नेचुरल गैस और नंबर थ्री फ्रॉम वाटर। ये अच्छा जो आप बुक देखेंगे
कुछ बच्चे बुक कंसल्ट कर रहे हैं, जयवंती बुक कंसल्ट कर रही है बहुत ज्यादा, और अच्छी बात है, लेकिन बुक के अंदर जो है ये काफी, इसके अंदर बुक में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बुक में आपको जो है, बुक में आपको काफी जो है वो प्रॉब्लम होगी, लिहाजा इसको आप याद रखिएगा कि मैंने इस बुक के लिहाज से इसको जो है वो चेंज किया हुआ है, क्योंकि बुक अगर आप देखेंगे तो बुक में आपको ये चीजें यही है, बुक में चीजें यही है, लेकिन उन्होंने इसको बड़ा मिक्सअप किया हुआ है। तो आप पहले इसको अच्छी तरह समझ लो बेटा, और उसके बाद इसको समझने के बाद जो है आप बुक को प्रॉपर पढ़ोगे, तो बुक में बहुत रैंडमली दिया हुआ है, जब तुम ये समझ जाओगे तो बुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम के आपको समझ में आ जाएगा, बुक में रैंडमली दिया हुआ है तमाम चीजें वही, लेकिन हमने इसको प्रॉपरली मेंटेन करके ताकि आपके जहन में रहे, वरना चीजें आ जाकर मिक्स हो जाती है। तो तीन कंपाउंड से हम हाइड्रोजन गैस को कमर्शियली या इंडस्ट्रियल जो इसकी प्रिपरेशन है वो तीन कंपाउंड से हम प्रिपेयर करते हैं, अमोनिया, नेचुरल गैस एंड वाटर। अब आते हैं फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया से कैसे तैयार करते हैं? बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। थर्म कहते हैं हीट को, थर्म के माने होते हैं हीट, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज के माने होते हैं ब्रेकअप। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट के जरिए किसी कंपाउंड को ब्रेक किया जाए, इसे थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसमें से एमसीक्यूज आता है, अच्छी तरह सुनना। हीट देकर अगर हम किसी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं तो उसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। अब ये दो तरह से होगी, एक हम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन कहा जाता है, और अगर हम इन एब्सेंस ऑफ हीट, जो हम आगे नंबर टू में पढ़ेंगे, अगर इन एब्सेंस ऑफ हीट हम हीट प्रोवाइड करें, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम हीट प्रोवाइड करके कंपाउंड को ब्रेक करेंगे, तो ऐसे थर्मल डीकम्पोजिशन को हम पायरोलाइसिस कहते हैं, पायरोलाइसिस। अगर हीट जो है, अगर हीट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट किया जाए तो वो थर्मल डीकम्पोजिशन, और अगर वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हीट प्रोवाइड की जाए तो उसको हम कहते हैं पायरोलाइसिस। या बाज़ दफा लिखा होता है कि हीट प्रोवाइडेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या नेचुरल गैस इज हीटेड अप टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ऐसा जो प्रोसेस है उसे पायरोलाइसिस कहेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए इक्वेशंस आनी शुरू हो जाएंगी भाई। द वेपर्स ऑफ अमोनिया व्हेन हीटेड एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पास ओवर एक्टिव कैटलिस्ट गिव हाइड्रोजन गैस। ये देखिएगा, यहां पर हम समटाइम्स में हम निकल को एज ए कैटलिस्ट के यूज कर सकते हैं। तो अमोनिया को जब हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो अमोनिया डीकम्पोज हो जाती है नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। ठीक है, इस तरह ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आपने, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 ली चैटेलियर प्रिंसिपल, कि ये हैबर्स प्रोसेस होता है रिवर्स में, कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को स्पेसिफिक कंडीशंस पे कंबाइन करते हैं तो हम ऑब्टेन करेंगे अमोनिया, और जब अमोनिया को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है तो हम ऑब्टेन क्या करेंगे, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। यहां पर नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन हमें जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो किसकी प्रिपरेशन है बेटा, वो प्रिपरेशन है हाइड्रोजन गैस की, लिहाजा नाइट्रोजन भी गैस है, ये दोनों गैसेस एक दूसरे में मिक्स होंगी, तो हमें एक्चुअली क्या ऑब्टेंट करना है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऑब्टेंट करने के लिए हम यहां से क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस को यहां से हम रिमूव करेंगे। अब आते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन गैस को रिमूव करेंगे तो उसके बाद हम क्या ऑब्टेंट करेंगे, हाइड्रोजन गैस। अब रिमूवल का जो मेथड होता है, इस मेथड को मेजर जो मेथड है
इसे हम कहते हैं लिक्विफिकेशन मेथड, यानी हर गैस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जाकर लिक्विफाइड हो जाती है। हर गैस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जाकर जो है वो लिक्विफाइड हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसे हम गैस का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाइड हो जाए उस टेम्परेचर को हम गैस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कहते हैं। अच्छा, गैस का बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली माइनस में होता है, तो हर गैस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जाकर लिक्विफाइड हो जाती है। तब हम करते क्या है, हम टेम्परेचर को रिड्यूस करना शुरू करते हैं और इतना कम कर देते हैं कि हमें जिस गैस को रिमूव करना हो वो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये जरूरी है कि अगर नाइट्रोजन का जो लिक्विफिकेशन पॉइंट है वो हाइड्रोजन से जो है वो कम होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन गैस जो है ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड हो जाती है, जबकि हाइड्रोजन गैस जो है वो -252 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड होती है। लिहाजा हम इसको कूल करते हैं, इस मिक्सर को, नाइट्रोजन गैस के और हाइड्रोजन गैस के मिक्सर को, और जब ये मिक्सर का टेम्परेचर पहुंचता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, जब ये टेम्परेचर पहुंचता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और हाइड्रोजन रहती है इन फॉर्म ऑफ गैस। और इस तरह हम हाइड्रोजन को गैस की फॉर्म में ओपरेट कर लेते हैं और नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में सेपरेट हो जाती है। ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसकी अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए -196 डिग्री सेंटीग्रेड तो एक सेकंड के अंदर ही किसी भी चीज को फ्रीज कर सकती है। इसलिए हम इस लिक्विड नाइट्रोजन गैस को जो बड़ी कंपनी, जैसे आप देखें KNS और दूसरी जो चीजें, जो प्रीपेड फूड आप हासिल करते हैं उसको अगर आप देखें तो उसका जो टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत ज्यादा फ्रीज होती है। एक आप अपने फ्रीजर में चीजें रखें और एक उसको आप चेक करें, वो बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा फ्रीज, तो उसमें से उसे हम पास करते हैं नाइट्रोजन के वेपर्स में से, तो -196 के बारे में चीजें फौरी तौर पर फ्रीज हो जाती है। और इस तरह जो बड़ी कंपनीज है वहां पर इस नाइट्रोजन गैस को यूज करके वो आप वो चीजें बना रही हैं कि वो नगेट्स बना रहे हैं या कबाब बना रहे हैं, तो वो इतने दिनों तक कैसे उसको फ्रीज करेंगे, लिहाजा वो उसको प्रीपेड करके इसके वेपर्स में से पास करते हैं और वो सेकंड्स के अंदर वो चीजें फ्रीज हो जाती हैं, फिर पैकिंग के बाद उनको जो है वो बाहर मार्केट में भेज दिया जाता है। तो इस तरह इसकी अपनी कमर्शियल जो है वो एप्लीकेशन है, लेकिन हम इसको लिक्विफाइड करते हैं और फिर हाइड्रोजन को ऑब्टेन कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आते हैं सेकंड मेथड है फ्रॉम नेचुरल गैस, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बट ये थर्मल डीकंपोजिशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी बेटा, लिहाजा ये जो है वो पायरोलाइसिस कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप ये पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की एक बहुत बड़ी पूरी फैमिली, एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो है उनके कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जो पहला और सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो है CH4 मीथेन गैस, जो आप नेचुरल गैस जिसको हम कहते हैं, जो हम घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं, इस गैस को सुई गैस कहा जाता है। एक्चुअली ये सुई गैस है, वो नेचुरल गैस या मीथेन गैस है CH4। और क्योंकि पाकिस्तान में ये हमने बलूचिस्तान के इलाके सुई में गैस को डिस्कवर किया, लिहाजा इस वजह से हम पाकिस्तान में इस गैस को सुई गैस कहते हैं, वरना इसका नाम क्या होगा, नेचुरल गैस कॉमन, केमिकल नेम इसका मीथेन गैस, और एक और इसका कॉमन नेम है जिसको हम मार्श गैस भी कहते हैं। नेचुरल गैस, मार्श गैस एंड मीथेन,
ये तो वर्ल्ड वाइड आप इसको कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको हम क्या कहेंगे, सुई गैस। अब इसमें क्या है बेटा, मीथेन व्हेन हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के माने प्रोसेस क्या कहलाएगा, पाइरोलाइसिस। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन, बट ऐसा थर्मल डिकम्पोजिशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोसीड होगा उसे पाइरोलाइसिस कहेंगे। ऐसा द थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसीड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड पाइरोलाइसिस। इसकी डेफिनेशन हो गई, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि द थर्मल डिकम्पोजिशन विच प्रोसीड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड पाइरोलाइसिस। जब मीथेन को हम हीट करते हैं अबाउट 700 डिग्री सेंटीग्रेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट करते हैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ब्रेक हो जाती है कार्बन में जो सॉलिड होगा और हाइड्रोजन में जो कि गैस है। जैसे यहां पर आपको डिस्टिंग्विश नहीं करना बिकॉज कार्बन सॉलिड और हाइड्रोजन जो है वो गैस है, ठीक है बेटा। तो इस तरह हम यहाँ से कार्बन ऑब्टेन करेंगे और हाइड्रोजन ऑब्टेन करेंगे। अच्छा अब देखिए कि हम घरों में मीथेन कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या घर के अंदर कार्बन आपने कभी देखा, कार्बन बनते हुए या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए या मीथेन को डीकम्पोज होते हुए? तो याद रखना कि आप जो घरों में स्टोव इस्तेमाल करते हैं उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वह मीथेन गैस ब्रेक नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती ब्रेक, क्योंकि घरों में उस गैस को हर वक्त ऑक्सीजन मिल रही होती है एयर के जरिए। समझ में आई बात? और मीथेन का जो हम ब्रेकअप पढ़ रहे हैं ये ब्रेकअप बेसिकली क्या है, पायरोलाइसिस, जहां पर ऑक्सीजन मौजूद ना हो। लिहाजा घर पर जो आप गैस चला रहे होते हैं चूल्हे पे उसमें मीथेन ब्रेक नहीं होती बिकॉज को ऑक्सीजन मिल रही है, ओके, वो बर्न होती है। तो जब इसको यू नो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे हम तो हम क्या ऑब्टेन कर लेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखें यहां पर हमने कार्बन ऑब्टेन किया, हम इस रिएक्शन को हम एक्चुअली ऑब्टेन कर रहे हैं, इस रिएक्शन की वजह क्या है कि हमें हासिल करनी है हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन गैस के दौरान हमने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज हासिल करनी, इसको कार्बन है, इस कार्बन को कार्बन ब्लैक कहते हैं, इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन कमर्शियल यूज इसका बहुत ज्यादा है। लिहाजा अगर कोई ऐसा, अगर आप किसी एक सब्सटेंस को प्रिपेयर कर रहे हो और उसकी प्रिपरेशन के दौरान कोई दूसरा ऐसा सब्सटेंस हासिल कर ले जो जिसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस हो, तो उसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के साथ हमने ऑब्टेन कर लिया कार्बन, दिस कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन ब्लैक एंड इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इस कार्बन ब्लैक को अगर आप देखें इसको हम क्या कहेंगे, कार्बन ब्लैक हम कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज कार्बन ऑब्टेन्ड इन दिस मेथड इज नोन एज कार्बन ब्लैक एंड इज यूज इन रबर इंडस्ट्री, पिगमेंट फॉर इंक, प्लास्टिक, पेंट एंड टाइपराइटर रिबन, कार्बन पेपर एटसेट्रा, एंड ऑल्सो इन द जो है वो टायर इंडस्ट्री में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं बाय द ग्रुपिंग ऑफ द टायर। अब देखें ये कार्बन जो हमने यहां से ऑब्टेन किया, इस कार्बन को हम इस्तेमाल करते हैं रबर इंडस्ट्री में, जो टायर्स बनाए जाते हैं उस टायर्स के फिलर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने गाड़ियों के टायर को देखा गौर से, उसमें आप देखें गाड़ियों के टायर जो होते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के नक्शो निगार बने हुए होते हैं, डिजाइन, जिस तरह आपके मेहंदी के डिजाइन बनाते हो हाथों में, जो मेहंदी लगाते हो मुख्तलिफ तरीके से भर लेते हैं अपने हाथों को आप लोग, इसी तरीके से उस टायर के अंदर जो है वो आप देखें मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं। वो डिजाइन इसलिए बनाए जाते हैं कि टायर की रोड ग्रिप बने और इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो। आप जब नए टायर को आप हाथ लगाएं तो आपके हाथ में जो आपका हाथ ब्लैक हो जाता है, वजह क्या है, अब टायर के अंदर हम कटिंग करते हैं, डिजाइन बना रहे होते हैं, इसको हम ग्रुप्स कहते हैं, जो डिजाइन को ग्रुप्स कहा जाता है, तो उसके अंदर कार्बन ब्लैक को हम एज अ फिलर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ग्रुप्स जो है प्रॉपर तरीके से बन सके।
इसके अलावा आप कार्बन पेपर इस्तेमाल करते हैं, इसको ट्रेसिंग पेपर, कार्बन पेपर इस्तेमाल करते हैं, वो कार्बन ब्लैक से बनाए जाते हैं। पिगमेंट्स ऑफ इंक, जो इंक हम बनाते हैं और शू पॉलिश बनाते हैं, ब्लैक कलर की शू पॉलिश और ब्लैक इंक जो बनाते हैं, उस ब्लैक इंक में और ब्लैक शू पॉलिश में कार्बन ब्लैक को इस्तेमाल किया जाता है। जो टाइपराइटर, अगर कभी आपने देखा हो टाइपराइटर, तो टाइपराइटर में जब आप क्लिक करते हैं तो टाइपराइटर के ऊपर एक रिबन लगी हुई होती है जो उस निडल को जो है वो प्रिंट करती है पेपर पे, तो वो टाइपराइटर रिबन जो है वो भी कार्बन ब्लैक से बनाई जाती है। आपके घर में यकीनन कंप्यूटर प्रिंटर होगा, तो प्रिंटर के जो कार्टेजेस होते हैं उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का आप देखिए कार्टेज चल रहा होता है, जो प्रिंट कर रहा होता है वो भी कार्बन ब्लैक से बनाया जाता है। उसके अंदर जो पाउडर आप इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर के अंदर, आप जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं ब्लैक कलर का, वो पाउडर भी कार्बन ब्लैक ही होता है। इस तरह इसकी इंतहाई इंपॉर्टेंट कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। इससे कार्बन ब्लैक जो है यहाँ पर ये बाय प्रोडक्ट है और ये हाइड्रोजन गैस को नॉर्मली बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ पर नेचुरल गैस प्रॉपर मौजूद है, हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने का ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कमर्शियल मेथड है। ये हमारे पास दो कंपाउंड हमने पढ़ लिए बेटा, एक नेचुरल गैस और दूसरा क्या हमने पढ़ा, फ्रॉम अमोनिया। ये दो कंपाउंड्स हैं जो अलग अलग एग्जाम में आ सकते हैं, अब सब कम आए हैं लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए। ये दो कंपाउंड हमने आज डिस्कस किए। इसके बाद तो तीसरा कंपाउंड है, ये है फ्रॉम वॉटर। अच्छा, वॉटर से डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर रहे हम, बल्कि वॉटर के जरिए फिर चार मेथड है। जब तुम अपनी बुक कंसल्ट करोगे तो बुक में टोटल 6 मेथड्स की प्रिपरेशन दी गई है, 6 मेथड्स हैं, लेकिन वो बड़ा मिक्सअप करके दिया हुआ है। तो मैंने उस 6 मेथड्स को पहले 3 कंपाउंड में डिवाइड कर लिया, क्योंकि 4 ऐसे मेथड हैं जहां पर वॉटर यूज हो रहा है, उन्होंने हर एक को स्प्रेड कर दिया बुक में। लिहाजा मैंने क्या किया है कि जो वॉटर की प्रिपरेशन, वॉटर से जो प्रिपरेशन होगी, इस वॉटर से प्रिपरेशन को हमने अलग कर दिया है। तो 4 मेथड्स हैं जिनके जरिए हम वॉटर से हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करेंगे। पहला है बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक, सेकंड है स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, स्टीम मेथनॉल प्रोसेस एंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वॉटर। ये 4 मेथड ये हो गए बेटा, और 2 मेथड जो हमने पहले पढ़े फ्रॉम अमोनिया फ्रॉम नेचुरल गैस। इस तरीके से टोटल क्या हो गया आपके पास, 6 मेथड्स हो गए आपको हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर देंगे। समझ में आ रही बात, जब बुक आप देखेंगे तो बुक के अंदर जो है वो तमाम चीजें जो है, बुक के अंदर ये तमाम चीजें जो है वो आपको रैंडमली नजर आएंगे। एक दफा बुक पढ़ लेना, चीजें यही है बट वो रैंडम है। तो 4 मेथड जो है वो वॉटर के जरिए। अब हम आते हैं जनाब, पहले हम शुरू करते हैं बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक। कोक हम कहते हैं कार्बन, या इन कॉमन वर्ड कोक हम कहते हैं कोयला। कोल एंड कोक, इन दोनों के माने कोयला। एक जो कोक या कोयला है ये हम ऑब्टेन करते हैं बाय द वुड, जो लकड़ियों को जलाकर आप हासिल करेंगे उसको कोक कहा जाता है। और कुछ ऐसे जो है वो कार्बन है जो माइंस में से हासिल करते हैं, उसे कोल कहा जाता है। ये हम आगे जाकर ऑर्गेनिक में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। स्टीम के माने वाटर होते हैं। वाटर सॉलिड फॉर्म में है तो आइस है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर है, वाटर गैस फॉर्म में है तो स्टीम है। तीनों स्टीम, आइस और वाटर, इन तीनों का फॉर्मूला H2O होगा। अगर सॉलिड फॉर्म में वाटर है तो आइस, लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर, और गैस की फॉर्म में है तो स्टीम। बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक, अब देखते हैं कि जनाब क्या होगा कि व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम को जब हम रेड हॉट कोक उसको बर्न कर ले, जब रेड हॉट हो जाए उसमें से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टीम पास करेंगे, अ मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज वाटर गैस। इसमें हो क्या रहा है कि जो कार्बन और ये H2O स्टीम है बेटा, ये कार्बन रेड हॉट कोक में से हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम को पास करते हैं, तो हम इसमें से चीजें अलग नहीं हो रही,
बल्कि एक मिक्सर ऑब्टेन कर रहे हैं हम हाइड्रोजन गैस का और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। इस मिक्सर को हम वाटर गैस कहते हैं। किसी जमाने में इस मिक्सर को एज अ फ्यूल के इस्तेमाल किया जाता था, लिहाजा वाटर गैस इज द डेफिनेशन। याद रखिएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये एग्जाम में डेफिनेशन आती है कि वाटर गैस इज द मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन फिर वही बात है कि हमें तो हाइड्रोजन गैस हासिल करनी है, तो जब तक हम यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव नहीं करेंगे, हम हाइड्रोजन गैस हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, ये इसमें दोनों में वाटर गैस आएगी, इसलिए हम रिमूवल को आखिर में पढ़ेंगे। स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन ने आपको बताया, हाइड्रोकार्बन के माने क्या है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब इस बार देखिएगा, क्या मिक्सर ऑफ स्टीम एंड नेचुरल गैस व्हेन पास्ड ओवर निकल कैटलिस्ट एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड हाइड्रोजन हैज ऑब्टेन्ड अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या है बेटा, जब हम मीथेन गैस में से वाटर को पास करते हैं, वाटर के माने स्टीम को, अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर एक मिक्सर ऑब्टेन कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। इस मिक्सर को वाटर गैस कहा जाता है। तो वाटर गैस की जो डेफिनेशन हो गई वो क्या हो गई, अ मिक्सर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस। अब देखिए कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इस प्रिपरेशन के दौरान हमने एक और चीज क्या ऑब्टेन कर ली है, वाटर गैस। तो एग्जाम में ये सवाल ऐसे आ चुका है कि डिफाइन वाटर गैस, डिफाइन वाटर गैस एंड राइट टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। अब एग्जाम के अंदर जो है, एग्जाम के अंदर वाटर सॉरी बुक के अंदर वाटर गैस की प्रिपरेशन नहीं लिखी हुई है, यानी अलग से हेडिंग डाल के नहीं लिखी हुई है ये टॉपिक के दरमियान में, लेकिन एग्जाम में ये अलग से पूछ सकते हो। बुक में कोई एक भी लाइन लिखी हुई हो ना बेटा अगर, तो वो उसको अलग से पूछा जा सकता है। ऐसी एग्जाम्पल्स आपको आगे भी नजर आएंगी, वो मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करता जाऊंगा। लिहाजा बुक में प्रिपरेशन तो है, लेकिन हेडिंग किस चीज की है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की। अब जब ये अलग से टॉपिक आ जाता है तो आप कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैंने कहा था कि आप अपने आप पर कंट्रोल रखें, चीजें आपको याद होती हैं, उसे मैनेज कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लिहाजा जब हम स्टीम को पास करते हैं मीथेन गैस से ओवर 900 डिग्री सेंटीग्रेड, हम ऑब्टेन क्या कर लेते हैं, मिक्सर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और इस मिक्सर को हम कहते हैं वाटर गैस। लिहाजा अब एग्जाम में ये आया था, डिफाइन वाटर गैस एंड राइट टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। तो वाटर गैस की डेफिनेशन क्या हो गई, अ मिक्सर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, इन दोनों का जो मिक्सर है उसे हम कहते हैं वाटर गैस। और ये उसके दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऊपर आपको नजर आ रहे हैं कि जब हम स्टीम में से स्टीम को हम पास करते हैं रेड हॉट कोक से अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी विल गेट वाटर गैस। इस तरीके से हम स्टीम को पास करते हैं नेचुरल गैस या मीथेन गैस या हाइड्रोकार्बन से इन प्रेजेंस ऑफ निकल अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी विल गेट वाटर गैस। ये इसकी दो वाटर गैस की प्रिपरेशन आ गई, सही है बेटा। अब हमें एक्चुअली ऑब्टेन क्या करना है, हमें हासिल करना है हाइड्रोजन गैस। तो इस वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस आप उस वक्त हासिल कर सकते हैं, वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस उस वक्त हासिल कर सकेंगे जब हम यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करेंगे। लिहाजा कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करने के भी दो जो है वो मेथड्स हैं, वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वो थोड़े से बड़े मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं क्वेश्चंस के साथ। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में इंशाल्लाह ताला हाइड्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, और उसके बाद एक मेजर टॉपिक बचेगा और दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला
हम इसमें 15 तक जो है चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो अब इसमें देखिए, अगर आपसे वाटर गैस की प्रिपरेशन पूछी जाएगी तो अभी दो लिखिएगा, और अगर आपसे कहा जाए कि आप हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करें फ्रॉम द कोक, जब हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना होगा कोक के जरिए, और ये पहले वाला आप लिखेंगे, ये आप लिखेंगे बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक, यहाँ तक लिखेंगे, और यहाँ लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो असल चीज ये है कि आप क्वेश्चंस को समझें कि आपसे सवालात किस तरह के किए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज अपना टॉपिक हम यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, एक क्लास आपकी मिस हुई है लास्ट वेनेसडे को जो मैंने कहा था, और ट्यूसडे को जो छुट्टी थी, तो वो इंशाल्लाह उसको हम अनकरीब मैनेज करें। जो क्लास आपके मिस होती है वो हमारे जहन में, वो लिख लेता हूँ मैं, उसको हम बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मैनेज कर लेंगे ताकि आपका कोर्स फिजिबल चलता रहे। कोर्स आपका फिजिबल है, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये बेटा कि आप लोग इन वीडियोस को बाद में नहीं देख रहे, ना कोई कंसर्न करता है, या तो सबके सब कुछ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है या किसी को कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप सेंटर भी आए, चक्कर लगाएं, डिस्कस करें, ताकि मुझे थोड़ा सा पता हो कि आपका लेवल क्या चल रहा है। सेकंड ईयर के अंदर बहुत ज्यादा मेच्योरिटी चाहिए होती है बेटा, और आप लोग तो वैसे ही बहुत डेंजर जोन में, रेड जोन में मौजूद हो, कि जो सेकंड ईयर का रिजल्ट होगा वही रिजल्ट तुम्हारा ओवरऑल यूनिवर्सिटी में चलेगा। अब फर्स्ट ईयर का तो है नहीं कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाता है और उसमें अप डाउन करें, तो कोई तुम्हारे पास लाइन नहीं है कि जहां से आप कोई चीज देख सकें कि भाई इतनी परसेंटेज आ गई है, अब मुझे इतना इंप्रूव करना है, या मेरी 85 आ गई है, अब मैं 85 को मेंटेन कर लूं तो मेरा आगे मसला हल हो जाना है। आप लोग फिर दोबारा ब्लैंक पोर्शन पे खड़े हुए हो और रेड जोन पे खड़े हुए हो, तो इसका जरा ख्याल रखें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें, कॉल करें, सेंटर आए, सेंटर पूछ कर टाइम लेकर आइएगा, तो उसको जरा कोशिश करें बेटा पढ़ने की आप लोग। ओके, दैट्स ऑल टुडे।